हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकोज मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के आयुष काउंसलिंग के सेकंड राउंड की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड अगला वीडियो मैं कल पब्लिश करने वाला हूँ। हकीम सैयद जियाउल हसन, गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज। अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी को बहुत ही कम मार्क, 181 पर सीट अलाट हो गई है। और अगर बात करें जनरल फीमेल की, तो जनरल फीमेल को ओनली 150 के स्कोर पर BUMS की सीट अलाट हो गई है। OBC को 136 पर सीट अलाट हो गई है। जी हाँ, मैंने देखा हुआ है कि यूनानी की कट ऑफ UP और तेलंगाना को छोड़कर ऑलमोस्ट सभी स्टेट में बहुत लो जाती है। तो MP में तो सबसे लो गई है यूनानी की कट ऑफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं BHMS की। तो अगर बात करें जनरल कैटेगरी को, तो जनरल कैटेगरी को 407 पे सीट अलाट हो गई है BHMS की। और अगर बात करें जनरल फीमेल को, तो 383 पर सीट अलाट हुई है। और अगर OBC की बात करें, तो OBC को 397 पर 397 पर सीट अलाट हुई है। और OBC फीमेल को 392 पर सीट अलाट हो गई है। और अगर EWS की बात करें, तो EWS की थोड़ा और कम है, जो कि 365 पर EWS को सीट अलाट हो गई है। और बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी की 269 पर सीट अलाट हो गई है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस की कट ऑफ की। तो SC को 309 पर सीट अलाट हो गई है और OBC को 430 पर सीट अलाट हो गई है। तो OBC फीमेल को भी 430 पर ही सीट अलाट हो गई है। तो OBC ओपन कैटेगरी और OBC फीमेल कैटेगरी में कोई डिफरेंस नहीं है इस बार, 430 पर दोनों को सीट अलाट हुई है। जनरल फीमेल को 430 पर सीट अलाट हुई है। अगर बात करें एक्स आर्मी की, तो जनरल एक्स आर्मी को 211 पर सीट अलाट हो गई है। और बात करते हैं अब जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी को 432 पर सीट अलाट हो गई है, जो कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रिव अलाट हुआ है।